नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और समाजवादी पार्टी की हार का जितना दुख ओवैसी को हो रहा है, उतना दुख तो शायद अखिलेश को भी नहीं है। हार अखिलेश की हुई, लेकिन मिर्ची ओवैसी को लग रही है। ओवैसी ने उपचुनाव की हार का ठीकरा अखिलेश के सिर फोड़ते हुए उन्हें निकम्मा और घमंडी करार दिया है। कैसे छलका ओवैसी का दर्द, दिखाते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी ने सपा को निकम्मा और अखिलेश यादव को घमंडी करार दिया है। उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ के चुनावी नतीजे देखते हुए कहा कि इन परिणामों ने ये साफ कर दिया है कि सपा में भाजपा को हराने की न तो काबिलियत है और न ही कुव्वत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए मुस्लिमों से ये अपील की है कि अब वो प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी पर भरोसा करना छोड़ें और अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। ट्वीट में उन्होंने लिखा, रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे साफ जाहिर कर रहे हैं कि सपा में भाजपा को हराने की न तो काबिलियत है और न कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। इसी तरह रामपुर और आजमगढ़ चुनाव को देखने के बाद उन्होंने मीडिया में अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया। उन्होंने अखिलेश यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, अखिलेश यादव अहंकारी हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव उस सीट से सांसद रह चुके हैं, उसके बाद वो भी वहां के चुने गए, लेकिन इन लोगों ने एक भी वहां जाकर लोगों से ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। उन्होंने मीडिया में भी कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा पाने में सक्षम नहीं है, इनमें ईमानदारी की कमी है। अल्पसंख्यकों को ऐसे लोगों के लिए वोट देना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब बताएं कि भाजपा की जीत के लिए कौन जिम्मेदार है, किसे ये बी टीम सी टीम कहेंगे। उल्लेखनीय है कि जिन दो सीटों के कारण ओवैसी सपा से इतने नाराज दिखे, उसमें एक रामपुर है जहां घनश्याम लोधी ने सपा से आसिम रजा को 42,000 वोटों के अंतर से हराया, तो वहीं दूसरी सीट सपा का गढ़ कही जाने वाली आजमगढ़ की है। यहां अखिलेश यादव के भाई को मात देकर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। ये भी मालूम हो कि ओवैसी द्वारा अखिलेश को घमंडी इसलिए कहा गया क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में अखिलेश यादव सक्रिय रूप से प्रचार के लिए नहीं गए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने चुनावी प्रचार में साफ कर दिया था कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का मौका न गवाएं। ये जगह मुगल काल से पहले आर्यमगढ़ की थी, लेकिन मुगलों ने इसका नाम आजमगढ़ किया था। योगी का प्रचार एक बार फिर से रंग लाया है। आजमगढ़ को आर्यगढ़ करने का योगी का जो फैसला था, उसे आजमगढ़ की जनता ने सर आंखों पर रखा। योगी का हिंदुवाद को बुलंद करने का नारा कामयाब रहा। योगी सरकार अखिलेश के किले को निस्तानबूत करने में सफल रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।